हाय एवरीवन, तो यार ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है एंड आई वांट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो करंट सिनेरियो क्या है कि यार लोगों को कॉलेजेस में जाना पड़ रहा है, ऑफलाइन एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं एंड फॉर मेनी ऑफ यू इट इज़ हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इससे पहले हम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स दिया करते थे और ऑनलाइन एग्जाम्स कंपेरेटिवली बहुत ईजी हुआ करते थे देने के लिए। सो ऑल ऑफ अ सडन लोगों में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल हैव पुट अ हॉल्ट ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ऑल टुगेदर। लोगों को लगता है कि एक हफ्ते के एग्जाम्स हैं, एक डेढ़ हफ्ते के, फोकस करते हैं एग्जाम पे, बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप लोग कंप्लीटली DSA को भूल जाते हैं एंड उसके बाद या तो आपकी मोटिवेशन लो हो जाती है या फिर आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह भूल जाते हैं और आपको लगता है कि यार दोबारा से स्टार्ट करना है तो कौन स्टार्ट करे अभी। एंड ये जो मैंने आपको बता रखा है, एक बार जो साइकिल ब्रेक होती है ना, फिर बहुत लंबा प्रोकेस्टिनेशन वाला फेज आ जाता है एंड मैनी ऑफ यू डू नॉट स्टार्ट DSA फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं एंड सॉल्यूशन ही नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको, एक्चुअली आई विल बी पुशिंग यू टुवर्ड्स अचीविंग दैट। सो स्टिक टू द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ एंड मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आंसर द क्वेश्चन राइट नाउ। अभी के अभी वीडियो को पॉज करके ना कमेंट कर देना। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू एबल टू सॉल्व ऑन द डे यू गो टू कॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, ऐसे लिख देना, वन और टू करके लिख देना वहां पर। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू एबल टू सॉल्व ऑन द डे व्हेन यू डू नॉट गो टू द कॉलेज। इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में जाकर के दे दो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यार ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो इस प्रॉब्लम का सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है दैट यू विल हैव टू कमिट योर सेल्फ अ मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल बी सॉल्विंग डेली, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन सामने आ जाए, वेदर इट इज अ होम पार्टी, वेदर इट इज अ कॉलेज एग्जाम और एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, दैट नंबर कुड बी एज लो एज टू। दो से नीचे मैं आपको करने के लिए बोलूंगा नहीं, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप्स और फुल टाइम ऑफर्स एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सीरियस। ठीक है, एक क्वेश्चन का इतना ज्यादा सेंस नहीं बनता, एटलीस्ट दो क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा आप लोग पाँच छः, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप चैलेंज लेना चाहते हैं उतना आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ ये जो चैलेंज है ये लेने तो बहुत आसान है, बहुत लोग ले लेते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू फॉलो इट। अब इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आई एम कीपिंग दिस चैलेंज वेरी शॉर्ट चैलेंज ऑफ वन वीक। ठीक है, एक हफ्ते का ही मैं चैलेंज रखूंगा आप लोगों के साथ और इस चैलेंज में थोड़ी सी मोटिवेशन आप लोगों को देने के लिए आई विल ऑल्सो कीप अ गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ, मैं गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैलेंज। अब आप लोगों को करना क्या है, तो बेसिकली आप लोगों को अपने लिए एक नंबर डिसाइड करना है दैट दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल बी सॉल्विंग फॉर 7 days। ठीक है, बहुत छोटा चैलेंज रखा हुआ है सो दैट यू कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट इट एंड मेक अ लिंक्डइन पोस्ट, एक लिंक्डइन पोस्ट बना देना एंड लिख देना वहां पर चैलेंज एक्सेप्टेड एंड हैशटैग यूज कर लेना, हैशटैग चैलेंज बाई फराज, सो दैट आई कैन एक्चुअली नो कि कितने लोग इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं। तो एक पोस्ट आप लोग बना करके डाल देना, अपना नंबर लिख देना कि आप लोग कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड ईच डे आफ्टर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस उस ही पोस्ट के नीचे कमेंट्स कर देना। ठीक है, डे वन चैलेंज डन, डे टू चैलेंज डन, इस तरीके से आप लोग उसी पोस्ट के नीचे जाकर के कमेंट कर देना। एट द एंड आई विल बी इट विल बिकम वेरी इजी फॉर मी टू पिक द विनर और विनर भी मैं किसी वीडियो में ही डिक्लेयर कर दूंगा सो दैट बाकी लोगों को भी और मोटिवेशन मिले। सो दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस आई विल कीप कंडक्टिंग ऑन टाइमली बेसिस और देखते ही देखते यार हमारा प्लेसमेंट्स का टाइम भी आ जाएगा एंड यू विल बी इन अ रियली गुड पोजिशन टू क्रैक योर प्लेसमेंट्स। ठीक है, बहुत फन होने वाले ये सारे चैलेंजेस। सो यार थ्रू आउट दिस जर्नी आई विल कीप मोटिवेटिंग यू एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्चुअली बी मोटिवेटेड, बिकॉज कर लेते हैं आप लोग, द ओनली थिंग मिसिंग इज द मोटिवेशन। तो जैसे कि अभी गुड फ्राइडे आने वाला है, आई विल ट्राई टू अपलोड दैट 10 hours और 12 hours ऑफ कोडिंग चैलेंज अगेन, उसको देखकर भी काफ़ी लोग मोटिवेट हुए थे लास्ट टाइम। सो इट इज़ गुड, आप लोगों को बस थोड़ा सा पुश चाहिए एंड दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइज, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ अ सडन एकदम से ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड हो गया है एंड इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर फ्यू पीपल। सो दैट इज द रीजन वाई नाउ एक्सेप्ट दिस चैलेंज। सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, डू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को, यू विल बी कंसिस्टेंट। आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग बहुत ही हार्ड क्वेश्चन करें या मीडियम ही क्वेश्चन करें, जो भी क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं, दिस इज जस्ट द इनिशियल, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। दैट्स वाई यू कैन गो विद ईजी क्वेश्चन ऑल्सो, मीडियम क्वेश्चन ऑल्सो, अगर आपकी कैपेसिटी है तो हार्ड क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, आप लोग उन पोस्ट के नीचे कमेंट्स करते जाना। अब यार एक और इन्फॉर्मेशन, गीक्स और गीक्स पे अभी एक इवेंट चल रहा है बाय द नेम गीक्स समर कार्निवल। तो यार इस इवेंट में बहुत सारे वेबिनार्स होने वाले हैं, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़, गेम्स, कोडिंग चैलेंजेस होने वाले हैं जहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं।
सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट. मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग कोई कोर्स वगैरह परचेज करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स का, सो इट इज़ अ रियली गुड टाइम बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज पे बहुत अच्छा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है. सो ऑन ऑल दी कोर्सेज यू विल गेट एटलीस्ट 15% डिस्काउंट. और जितने भी आपके सेल्फ प्लेस कोर्सेज हैं और लाइव कोर्सेज हैं उन पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो अगर आप लोग कोई कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, यू कैन परचेज इट नाउ. और बाकी सारे जो इवेंट्स वगैरह हैं उनमें तो आप पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं. सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ. ये जो इवेंट है ये आपका 5 से लेकर 11th अप्रैल तक ही है. सो दैट्स वाई रजिस्टर नाउ एंड डू पार्टिसिपेट इन दीज फन एक्टिविटीज एंड इवेंट्स. तो यार वीडियो यहीं खत्म करते हैं. आई होप यू ऑल आर मोटिवेटेड फॉर दिस चैलेंज एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज. बहुत ही छोटा चैलेंज है ये. एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. और जो विनर जो हैं ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये चीज़ मैं ज़रूर देखूंगा लास्ट में. So let us meet in another video. Thank you.